60 मिनट तक उनका पुराना बजट पढ़ते हैं। ये इतिहास में लगता है कि पहली बार ऐसी चीज हुई। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। अब मैं आज 10 फरवरी 2023 को दो ऐतिहासिक घटनाएं हुई। पहली की बजट सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा के सदन को स्थगित किया गया, जो कभी नहीं हुआ था। और दूसरा की बजट सत्र के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले साल का पुराना बजट पढ़ गए। ये दोनों घटनाएं आज से पहले कभी नहीं हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने विधानसभा में पुराना बजट पढ़ दिया। हालांकि मंत्री महेश जोशी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इसके चलते सदन में भारी हंगामा होने लगा। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री को सौंपी गई बजट की प्रतियों में कुछ पुराने पन्ने शामिल कर दिए गए थे। सीएम बजट भाषण पढ़ते चले गए, जिसके बाद विपक्ष के लोग टाके लगाने लगे। बजट ब्रीफकेस में पुराने बजट की प्रतियां आने को लेकर अफसरों की लापरवाही मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे सरकार की भारी किरकिरी हुई है। इस मामले में कई अफसरों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। सदन दोबारा शुरू होने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो भी घटना हुई है वह दुर्भाग्यपूर्ण रही, लेकिन सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए। सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से अनुरोध किया कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया से विशेष रूप से अनुरोध किया कि इसे मानवीय भूल माना जाए और इसे सदन की कार्रवाई से अलग माना जाए। उन्होंने अनुरोध किया कि हम ऐसा कोई इतिहास नहीं बनाना जिसे याद कर हमें शर्म आए। सदन में हुई इस घटना के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने कहा कि सदन में हुई घटना कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान का कारण ना बन जाए, क्योंकि विपक्ष इसको बुनाने की पूरी कोशिश में रहेगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।